दुनिया में जब भी कभी जायंट फिक्शनल क्रिएचर्स की बात होती है तब हर किसी की जुबान पर गॉडज़िला और चिथुलू मॉन्स्टर का नाम ही आता है, क्योंकि इन दोनों क्रिएचर्स ने अपने गजब के साइज और बेशुमार ताकत से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चिथुलू और गॉडज़िला की फाइट हुई तब उसमें कौन जीतेगा? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। एक तरफ जहाँ चिथुलू बहुत ही ताकतवर क्रिएचर है तो वही गॉडज़िला भी किसी से कम नहीं है, जिस वजह से ये बात तो साबित होती है कि दोनों ही धरती के सबसे खतरनाक फिक्शनल क्रिएचर्स हैं। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि इतना ज्यादा ताकतवर होने के और एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद भी ज्यादातर मामलों में दोनों में से कोई भी एक दूसरे से फाइट करना उचित नहीं समझता, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। हालांकि ये बात सच है कि अगर ये आपस में फिर जाए तब धरती पर जो तबाही आएगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि इनके आपस में फाइट करने से धरती पर सब कुछ लहस लहस हो जाएगा। अगर चिथुलू को देखा जाए तो एक फिक्शनल कॉस्मिक क्रिएचर है जिसे साइंस फिक्शन हॉरर के ग्रैंडफादर हॉवर्ड फिलिप लवक्राफ्ट द्वारा क्रिएट किया गया था, जिसने पहली बार 1928 में इसका कलरफुल वर्जन रिप्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुआ था। चिथुलू लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था कि उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स तक पे चिथुलू का कार्टून बना होता था। खैर, जब बात विनाश के देवता और मॉन्स्टर के राजा गॉडज़िला की आती है तब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि भले ही वो चिथुलू के बाद 1954 में सिल्वर स्क्रीन पर आया हो, पर जब बात लोकप्रियता की आती है तब गॉडज़िला के आगे दूसरा कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी तक इन दोनों मॉन्स्टर के अपीयरेंस में बहुत से वेरिएशन देखने को मिला है और इनकी विनाश की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, तो ऐसे ये साबित नहीं होता कि इनकी फाइट में कौन जीतेगा। दोस्तों, इनकी फाइट का रिजल्ट जानने से पहले सबसे पहले हमें इनकी पावर और इनके डिस्ट्रक्शन करने की क्षमता को जानना होगा। वही अगर गॉडज़िला की पावर को देखा जाए तो जब से इसे क्रिएट किया गया है तभी से इसने कॉस्मोस के बहुत से पावरफुल क्रिएचर्स को हराया है और अभी तक टोटल 58 फाइट्स की है, जिसमें इसे 42 फाइट्स में जीत और 7 फाइट्स में हार मिली है, साथ ही इसकी 9 फाइट ड्रॉ हुई है। इन फाइट के रेशियो को देखने के बाद ये बात तो जाहिर है कि गॉडज़िला को सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बनाया गया, बल्कि इसे तो हमारी धरती के एक डिस्ट्रॉयर और सेवियर के रूप में दिखाया गया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि गॉडज़िला सिर्फ एटॉमिक एनर्जी की सांस लेने वाला एक पावरफुल क्रिएचर है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इसके पास यही एक पावर नहीं है। दोस्तों, गॉडज़िला की हाइट करीब 118 मीटर होती है और इसका वजन करीब 160,000 टन है, जो कि अपने 60 फीट के हार्ट से 530,000 गैलन ब्लड प्रेशर अपने शरीर पर पंप करता है। इतना ही नहीं, इसके शरीर पर आज के मॉडर्न वेपन से लेकर न्यूक्लियर ब्लास्ट तक कुछ भी काम नहीं करता और ये अपनी ताकत से इस दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्मी को कुछ ही मिनट्स में तबाह कर सकती है, क्योंकि इसके पास एटॉमिक वेव जैसी एक गजब की पावर होती है जो कि एक तरह की लेजर की तरह काम करती है। गॉडज़िला के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब अगर चिथुलू मॉन्स्टर की पावर के बारे में बात करें तो चिथुलू अपने समय के फिक्शनल क्रिएचर्स के सामने कुछ भी नहीं था और ये बहुत से क्रिएचर्स से हार भी चुका था। खैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पास पावर नहीं थी, पर वो एक निश्चित समय पर ही अपनी पावर जुटा पाता था, जिस वजह से बहुत से ओल्ड मॉन्स्टर के द्वारा उसको हार झेलनी पड़ती थी। अगर फेमस कॉल ऑफ चिथुलू की बात करें तो उसमें भी जब चिथुलू सो रहा था तब एक बोट उसे टकरा गई थी और वो नष्ट हो गया था। ऐसा माना जाता है कि चिथुलू के पास पावर तभी आती है जब स्टार्स पूरी तरह से अलाइंड होता है, वरना स्टार्स के अलाइंड हुए बिना चिथुलू को आराम से हराया जा सकता था। खैर, ये बात भी बिल्कुल सच है कि चिथुलू को मारने के बाद भी एक बार स्टार्स अलाइंड होने पर उसकी डॉटर चिथिलिया द्वारा उसे या तो फिर से जिंदा कर दिया जाता था या फिर उसका फिर से जन्म होता था। ये सब जान लेने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि गॉडज़िला के सामने चिथुलू कुछ भी नहीं है, क्योंकि चिथुलू को पावरफुल बनने के लिए स्टार्स के अलाइंट होने का इंतजार करना पड़ता है, और अगर इसी बीच गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहीं से आ जाए तब वो अपनी गजब की ताकत से चिथुलू को आराम से हरा देगा, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल सी लड़ाई होगी। हालांकि हार झेलने और गॉडज़िला के हाथों मर जाने के बाद भी चिथुलू को जिंदा किया जा सकता है, पर जब बात लड़ाई और पावर की हो